गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सेज व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy। मेरे बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि हमें आंसर 7 मिल जाए? तो इसका मतलब कि 7 में से यदि ये 5 माइनस कर दें तो ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ का डिजिट क्या होगा। तो 7 में से ये 5 माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर हमें मालूम हो जाए। उसी तरह से ये वाले नंबर में से ये माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमें क्या ऐड करना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 3xy में से ये वाला नंबर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस, और जैसे ही ये माइनस लगाएंगे वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखना स्टार्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस की वजह से ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ही चेंज हो जाएगा वैसे ही ये ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये भी साइन चेंज हुआ माइनस एक्स वाई एंड हियर इज माइनस वाई स्क्वायर। तो यू सी हियर एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर और यहां का एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स स्क्वायर, फिर ये 3xy और माइनस 3xy मिलके प्लस 2xy और ये आपका y स्क्वायर अपने साइन के साथ आ जाएगा। ये हुआ आपका आंसर ए का। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 4 बी। बी का पार्ट 4 सेज What should be subtracted from 2a plus 8b plus 10 to get minus 3a plus 7b plus 16? इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम 5 में से ऐसा क्या माइनस कर दें कि यहाँ पे हमें आंसर 3 मिल जाए। तो इसका मतलब कि 5 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ का नंबर हमें मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो वी राइट 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस, और जैसे ही ये माइनस आएगा वैसे ही ये सब आपका एक्सप्रेशन, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब इस माइनस से हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। वी राइट इन द सेम वे 2a प्लस 8b प्लस 10। अब ये माइनस की वजह से ये माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस 3a माइनस 7b माइनस 16। तो अब लाइक टर्म को हम एक साथ करते हैं, 2a और ये 3a मिलके 5a, ये 8b और ये माइनस 7b मिलकर प्लस बी, प्लस वाला साइन ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो माइनस कर दिया। अब यहां पे ये प्लस 10 और यहां पे ये माइनस 16 मिलकर माइनस वाला ज्यादा है नंबर, कितना ज्यादा है तो 6 ज्यादा है। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। थैंक यू।